అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు మన హిందూపురం. రంజాన్ మాసం ముస్లిం సోదరులకు పరమ పవిత్రమైన మాసం. అంకుటిత దీక్షతో ఉపవాసాన్ని పాటిస్తూ అల్లా నామస్మరణతో ప్రార్థనలు జరుపుతారు. హిందూపురం పట్టణంలో దాదాపు 130 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన న్యూ మైమూన్ మసీదు ప్రసిద్ధి చెందినది. మసీదును సేట్ల మసీదుగా కూడా పిలుస్తారు. మన పట్టణ నడిబొడ్డున ఉన్న న్యూ మైమూన్ మసీదులో రంజాన్ మాసంలో ముస్లిం సోదరుల ప్రార్థనా కార్యక్రమాన్ని చూద్దాం రండి. జిందగీ కి అసలీ ఉడాన్ బాకీ హై, జిందగీ కి అసలీ ఉడాన్ బాకీ హై, కై ఔర్ ఇమ్తిహాన్ బాకీ హై, అభీ తో నాపీ హై ముట్ఠీ భర జమీ తుమ్నే, అభీ సారా ఆస్మాన్ బాకీ హై. मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज नौजवानों, मुझे आपके सामने आज हाजिर होने का मकसद यह है कि कई सालों से ये नई पीढ़ी जो है, हमारे यंगस्टर्स, वो जानना चाहते थे कि सेठों की मस्जिद कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाया. ये एक खादिम होने के बावजूद भी मुझे नहीं मालूम था कि मस्जिद की तारीख क्या है. फिर भी मैंने रिकॉर्ड्स देखने के बाद मालूम हुआ कि मस्जिद कब बनी, किसने बनाया और इसका फंड्स कैसा वो कलेक्ट करे. ये जो है उस रिकॉर्ड देखने के बाद मुझे समझ में आया. तो वही बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, खासकर नौजवानों के लिए, कि 1921 में सेठों की मस्जिद बनी
और काफ़ी जगह आजू बाजू जो थी वो सेठ मेमन सेठों ने ख़रीदा और मस्जिद को वक्फ किया। और उनके कई जो है उस वक्त फर्म्स थे, होलसेल फूड ग्रेन्स मर्चेंट्स थे वो, तो एक छोटी सी मस्जिद बनाए वो, जिसमें बड़ी मुश्किल से 400 या 500 मुसल्लिया नमाज पढ़ सकते थे। तो लिहाजा उनका मस्जिद बनाने का जो तरीक़ा था वो ये, मैंने बुज़ुर्गों से यह सुना है कि जब भी एक बोरा यानि एक क्विंटल अगर उनके दुकान से फरोख्त हुआ तो कुछ पैसा जो है मस्जिद के डब्बे में डालते हैं। आखिर में ये सब इकट्ठा करके जो है उन्होंने ये खूबसूरत छोटी सी मस्जिद न्यू मेमन मास्क इसके नाम से जो है उन्होंने ईजाद किया। बाद में जो है अब और फंड्स कलेक्ट करने का ज़रिया जो है मैं बोला ना आपको कि उनकी दुकानों से जो भी फंड्स निकलते उसी में जो है मेमन सेठों की ही बनाई गई थी। तो अब देखते देखते दिन गुजरते गए, लोगों की भीड़ ज़्यादा होने लगी, नमाजियों का जो है तादाद बढ़ गई, जगह काफ़ी नहीं थी, तो लिहाजा हमारे मुसलमानों ने हिंदूपुर और जमात के साथियाँ और जो है हमारे नौजवान बूढ़े अमीर गरीब सब ये तय करे कि भी इस मस्जिद को तौसी किया जाए। लिहाजा 1980 पर 9 में जो है ये सब मिलकर हमारे नौजवान और हमारे अकाबरीन वगैरह मिलकर जो है तौसी का काम चालू करें। उनके खिदमत बहुत हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके खिदमत को कबूल फरमाए। तो आप देख रहे हैं कि आज जो ये शानदार मस्जिद खड़ी हुई है आप हजरात के कुर्बानियों का सिला है, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह ताला अस्बाब बनाता गया, काम होता गया और ये छोटी मस्जिद जो है बड़ी में तब्दील हो गई और एक बहुत बड़ा गार्डन भी था उस वक्त, उसको ढा दिया गया खिल्लत की वजह से, जगह की खिल्लत की वजह से। लिहाजा आज जो है सुकून के साथ 4-5 हज़ार लोग जो है नमाज पढ़ सकते हैं और 8 से 10 हज़ार तक जो है बैठकर कुछ खुतबा या तकरीर या कोई मीटिंग वगैरह में हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह का करम है कि हर सहूलत जो है हम मुहैया हैं। अब मैं इसी बात पर जो है आपके सामने हाजिर हूँ। आखिर में जो है एक शेर कहकर मैं अपनी जगह लूँगा। ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है, कई और इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं तुमने, अभी सारा आसमान बाकी है। लिहाजा हम थोड़ा करके बहुत कर दिए बोलती, मगर जो भी हमें करे हैं वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और जो है चुनाव का भी माहौल है, तो आप हजरा से मुद्दबाना आखिर में गुजारिश है कि अपने बड़ों से मशवरा राय मशवरा करके इसमें अच्छे से अच्छा क्या हमारे वास्ते ठीक रहता वो करें। बस इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।